It's a letter to Cesar Morales, signed PM. I think I'll go and see a guy Elvis. He got something cooking with some mystery dude called PM. PM? Rip, this sounds like Papa Muerte, the drug lord Dad was after when he died. Are you saying this Papa guy was involved in Dad's death? Now I want to find a dude called Elvis. Sí, Elvis, comprendo. So you have to get in from the sea. Okay, hey guys, welcome back Total Overdose के another episode में. तो भाई कुछ कुछ challenge ऐसे हैं ना भाई, क्या ही बोले, इतना tough लगा. और कुछ कुछ तो सच में कमाल के challenges हैं, और कुछ जो challenge हैं वो इतना बेकार है भाई. forklift समझ रहे हो, उससे हम लोग सामान उठा के कहीं और पहुंचा रहे, shift कर रहे. ऐसा इस टाइप का साइड मिशन हमको बिल्कुल पसंद नहीं है. ये GTA में भी हम नोटिस कर चुके हैं, देख चुके हैं भाई, मज़ा नहीं आता है. ओके, तो पिछले एपिसोड के अनुसार एल्विस नाम का कोई इंसान था, उसका वर्कशॉप में हम लोग गए थे. ठीक है, ओ भाई, उसके वर्कशॉप में हम लोग गए थे एंड हमें बहुत कुछ, ओ भाई बोलने भी नहीं देता है. हाँ, उसके वर्कशॉप से हमें कुछ सोर्स के बारे में पता चला, जैसे कि कॉफिन और कुछ वेपन्स हैं जो कहीं से बरामद किए जा रहे हैं. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, हम भी खुद समझा नहीं पाएंगे. लेकिन तो जो भी कुछ हो रहा है वो एल्विस जानता है, ठीक है. और एल्विस, हम लोग को पता चला है कि वो किसी आइलैंड में रहता है, बहुत अमीर आदमी है भाई, अपना आइलैंड लेके रखा हुआ है. तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास कोई बोट नहीं है. डेफिनेटली ये हमारा ही बोट होगा, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड गाइस. ऑल राइट, those farm idiots never happy. They wanted you to do more favors, but I said no. And finally, I got this belleza for you, amigo. You're kidding. This is what you got me? Don't sound so disappointed. This baby can do 80 knots, homeboy. Even you won't need to go that fast. Well, I'll be the judge of that. Listen, amigo. You need to make him talk, not make him silent. So try to get in and out unnoticed. ठीक है, हमारा हीरो तो अननोटिस्ड जाने वाला है नहीं, स्टिल्ट करने वाला आदमी है ही नहीं. ओके, यहाँ में बहुत कुछ हमें दिखने वाला है. Hola girls, anybody up for some water skiing? Just let me finish up with Señor Elvis here. ओके, तो हमें इंट्रो गेट करना है. ये लोग भाग रही है. अरे भाई, ये लोग हमला कर रहे हैं. वहां लाल लाइट क्यों जला हुआ है? हाँ, यहाँ कुछ लीवर जैसा है क्या? फंस गए. चलो ये करता क्या है? अच्छा, हम पहले यहीं आ गए, नहीं तो अगर हम वहां जाते तो हमको. Okay. Find a way down to the sea to get to Elvis. Try the courtyard. ठीक है, तो हमें courtyard के थ्रू से जाना है. Hi, I'm a friend of Pepe. ये दूसरा जगह है. हम कहाँ जा रहे हैं? There's always one idiot who spoils the party. ओके, ये क्या कर रही है खड़े खड़े? स्पाइसी मूव. अरे भाई, हम और कहाँ है? अभी तो था यहाँ. ओके ओके ओके. अरे भाई, ये जल्दी काम में भी जल्दी होता नहीं है.
ठीक है, यहाँ में शायद लड़ाई होने वाला है या फिर कुछ। ओके एक सेकेंड। स्पाइसी मूव। भाई इसमें बहुत कुछ। ओके हाँ, बच गया। Haven't we met before? ठीक है, ओके हमें यहाँ जाना है। गेट ओपन हो चुका है ना, इधर नहीं, येलो डॉट इस साइड है मेरे ख्याल से, यहाँ जाना होगा। क्या था यहाँ पता नहीं। अरे भाई अरे यही तो था, बाकी वेपन तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। There's always one idiot who spoils the fun. ओके इसके पास ग्रेनेड था। और कोई शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है भाई, हेल्थ देख रहे हो, हम सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं। हमको इस तरह से जंप नहीं करना चाहिए था ना। मेरे पास कुछ स्पाइसी मूव। ओके हेल्थ। ओ भाई कोई फायर किया ना, अरे वहाँ आर्मर रखा हुआ है। ओके अरे हम ऊपर नहीं। अरे भाई ये तो मार देगा। फोन मार रहा, हम देख के हैं क्या। The storeroom's kind of creepy. Besides, army surplus is so last year. What do you mean? I just found Agent Pearson and Johnson's jacket and the remains of all the DEA agents. Pretty sick. अरे भाई हम सुन रहे थे। ठीक है तो यहाँ में ये ताबूत है, कोई पहले से मरा हुआ है। बहुत मार रहा था। कहाँ जाना है? ओके ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? चलो एक मिनट, रेड डॉट तो यहां है। नहीं कुछ ज्यादा ही हम यूज कर रहे हैं। हाँ रेड डॉट तो यहां है।
क्या इसके ऊपर, इसके ऊपर जाना है क्या? ठीक है, वहां से तो हम लोग आए हैं, ठीक है हमें ऊपर जाना है। अच्छा ठीक है, टॉमी ने कहा था एलिवेटर यूज करने को ना। यहाँ कुछ है? अरे नेट तो हम लोग के पास एकदम, नेट कहाँ यूज होता है भाई? ठीक है, जो एल्विस है वो ऊपर वाले रास्ते में है, ऊपर वाले एरिया में, और हमें जाना है वहाँ। ओके, I don't remember inviting you. I'm a friend of Pepe's. Pepe? Okay, you got me. I'm a gatecrasher. Now you better start talking, pal. Why should I talk to a gringo asshole like you? Because I'm holding a gun in my hand, and you're just holding your Johnson. Hey, mister, that's rude. Talking about my chorizo in front of these girls. Just small talk, pal. Now tell me about the coffins, the bodies, the weapons, and the rest. Hey, I get it. You're the guy who wrecked my car shop, right? That wasn't smart. I don't have time for this. The next bullet might take off a different red end. Okay, okay, take it easy. Papa Muerte ordered me to build the coffins, get rid of some thieves, and provide some weapons. That's all I know. I was told that General Montañez would deliver the payment. That's exactly what's happening. Who is this General Grande Mountain dude? I have no idea. Ram, I checked. I got records on General Montañez. I've told you what I know. Okay, Mr. Elvis, thanks for your cooperation. Have a nice day. Cooperation, my ass. This is for my men and the cars you wasted. Okay, girls, show him your bazookas. Okay. Huracan! Oh, nice speedo. भाई पीछे से कोई मारने वाला था हमको. Don't ever wear those on my beach. अरे? Okay. क्या हुआ? ऐसे क्यों दिखा रहा है? अरे वो अभी भी जिंदा है, जिंदा है, मतलब उस लड़की का हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड, हम सेट देख के आते हैं। ओ भाई, there's some other dude in on this, high up in the military, called something like General. Don't give me the name. Somebody might be listening. Give it to me later. ठीक है, पक्का? यस, हमको लगा ही था भाई ये लोग को मारने में खराब लग रहा है। एक मिनट, हम यहाँ से जा सकते हैं? मरना मत बस। ठीक है, शायद हम लोग सही जा रहे हैं। ऑल राइट, कोई नेट फेंक रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? This guy's had way too many margaritas. अरे भाई, ओके, अरे एक मिनट, अच्छा यहाँ आए तो हमें यहाँ से आगे जाना है, लेकिन हमको कहीं गाड़ी दिखा था। एक सेकंड, हमको दिखा तो था। यस,
ओके चलो ज्यादा घूमना नहीं पड़ा इजी ठीक है स्टोरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बहुत कुछ सुलझा है लेकिन एक क्या जनरल क्या नाम था पता नहीं जनरल मोंटाने सेनोर अरे ये तो आई थिंक आई सी द ग्रिंगो बास्टर्ड्स कार कमिंग दिस वे इसको तो सर शुरुआत में दिखाया गया था ना हम भूल गए इसका पेरो सेनोर देयर आर कार्स ऑन द ब्रिज नो मी इंपोर्टा स्क्रू दैट द सस्पेक्ट इज टॉप प्रायोरिटी ओके यानी कि यहां में फाइट होने वाला है भाई सिविलियन भी गया अरे कहां गिरे ओके अरे यहां बजूका है अरे हमको ये सब यूज करना चाहिए ना ओके ये तो यूज ही नहीं कर पाया ओ भाई वो कोई ठीक है वो शायद एनिमी है हमारा एक सेकंड हम खत्म क्या ठीक है कोई बात नहीं ठीक है वो जो भी था वो खत्म हो गया है A bridge too far for you, cabrón. ओके उसके पास बजूका है बजूका यूज करने ही नहीं मिला ओ ये टफ है कौन मार रहा था एक सेकंड ठीक है इट्स माय लकी डे ओके अरे भाई वो डर के मारे सही जगह एम ही नहीं कर पाया लेकिन हम लोग का ये मशीन भी खराब हो गया ओके इस साइड जाके देखते हैं क्या है ओके यहाँ से ही चढ़ेगा अरे भाई स्पाइसी मूव ये था मारने वाला ठीक है हमें आगे जाना है ना क्या हम लोग ये ट्रक चला सकते हैं अरे भाई अब जंप कैसे होगा चलो भाई चलो 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 ऑल राइट जैसे तैसे करके हमने ब्रिज क्रॉस कर ही लिया क्या यहाँ कुछ है कुछ नहीं तो आगे बढ़ते हैं
Mission complete. All right. अरे हाँ, एक चीज हमको पता नहीं था, अगर कोई गाड़ी डैमेज हो चुका है ना, बुरी तरह कबाड़ा हो चुका है, तो उसको ऐसे छोड़ देने से ना वो अपने आप रिपेयर भी हो जाता है इसमें। वैसे भी इस गेम में कहीं भी रिपेयर करने का सिस्टम है नहीं, तो शायद यही एक रास्ता है। ऑल राइट, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हमें बहुत कुछ पता चल गया है वैसे कि कुछ वार से छिड़ने वाला है, वार तरीके से कुछ बहुत बड़ा प्लान होने वाला है। ये ऐसे क्यों चल रही है? खैर, मिलते हैं आप लोगों से इसी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड कौन हमला कर रहा है, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ना ना, ये किसी और को मार रहा है। हाँ, ये मरी ही नहीं। चलो देखते हैं ये मरती है या नहीं। अरे अब ये पक्का मर चुकी है, चिल्ला दी ना इसलिए शायद। ओके, मिलते हैं गाइस, यहां हम सेव कर ले। ओके